Hello students, in the previous video, we have studied the block diagram reduction techniques and we have also solved some problems on the block diagram reduction techniques, okay? So, in this video, we will start with the signal flow graph, okay? So, what is signal flow graph? Kya hota hai signal flow graph? Kya use hai signal flow graph ka? Okay? So, signal flow graph is a graphical technique and by using signal flow graph, we can determine the relationship between the variables of the system. Okay, we can also determine the transfer function, that is the relationship between output variable and input variable, and we can also determine the relationship between any two variables in the system. Okay, kuch conditions hoti hain in relationships ko calculate karne ki, like input variable hamesha present hona chahiye. Ye sari conditions hum discuss karenge detail mein, but अभी के लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ आपका क्या होता है, आप किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, दैट इज योर सिग्नल फ्लो ग्राफ. ओके, सो सिग्नल फ्लो ग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सिग्नल फ्लो ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है सिग्नल फ्लो ग्राफ. उसके बाद हम लोग इसका मेन फॉर्मूला जो है मेजॉन्स गेन फॉर्मूला वो देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं. सपोज करिए मेरे जो सिस्टम है उसके नोड्स जो है वो x1 x2 x3 x4 x5 x6 है. ओके, सो मैं रिलेशनशिप्स आपको दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस. ओके, सपोज करिए x2 है आपका ax1, x3 है आपका bx2 प्लस cx4, ओके, x4 है आपका dx3 प्लस ex2 प्लस एफ x4, ओके, x5 है आपका gx2 प्लस hx4, ओके, एंड x6 आपका फाइनली है ix5 प्लस jx2. ओके, सो इस तरह से मैंने कुछ इक्वेशंस यहां पर लिख लिए हैं. अब मुझे इन इक्वेशंस का सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करना है. ओके, जब हम लोग इस इक्वेशंस के सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ के स्ट्रक्चर का एक रफ आइडिया हो जाएगा कि कैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ का स्ट्रक्चर बनता है. ओके, ना तो हमारे पास 6 नोड्स हैं, तो मैं यहां 1 by 1 नोड्स को डिनोट कर देता हूं. x1, ओके, नाउ नेक्स्ट इज x2, नेक्स्ट आपका क्या है x3, अगला है x4, देन x5, देन x6. ओके, तो यहां पर मेरे पास 6 नोड्स हैं. अब हमें करना क्या है, यहां पर x2 की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, x2 की वैल्यू है आपकी ax1. मींस आपको करना क्या है, x2 के इक्वेशन को आप देखिए, x2 के इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ x1 से a आ रहा है. मींस आप क्या करेंगे, एरो करेंगे x2 की तरफ और गेन कर देंगे a. ओके, मींस जिस वेरिएबल का इक्वेशन आप लिख रहे हो उसी वेरिएबल की तरफ आपको इनकमिंग एरो शो करना है. ठीक है, जैसे सपोज करिए आप x3 का इक्वेशन लिख रहे हैं तो x3 वेरिएबल पर आ जाइए, x3 नोड पर आ जाइए. x3 वेरिएबल में x2 से क्या आ रहा है आपका b, सो आप एरो कर दीजिए x3 की तरफ एंड b. एंड x4 से क्या आ रहा है आपका c आ रहा है, मतलब आप बैक आएंगे. ठीक है, तो x4 से आपका क्या हो जाएगा यहां पर c हो जाएगा. ओके, नाउ x4 का इक्वेशन आप देखिए, यहां पर x4 में x3 से क्या आ रहा है आपका d आ रहा है, तो एरो बना दीजिए सिंपली. x2 से क्या आ रहा है आपका e आ रहा है, तो आप सिंपली x2 से यहां पे लगा दीजिए e. ओके, एंड नेक्स्ट क्या है आपका x4 में x4 से ही f आ रहा है. ओके, जब सेम वेरिएबल पे सेम वेरिएबल से ही कोई गेन आ रहा हो तो इसे हम कहते हैं सेल्फ लूप. ओके, मींस सेम वेरिएबल से स्टार्ट होकर हम सेम वेरिएबल पे क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं. ओके, सिर्फ एक ही वेरिएबल हो तो इसे हम कहते हैं सेल्फ लूप. तो इसका गेन क्या है आपका एफ है. ओके, नाउ x5 का इक्वेशन देखिए आप, x5 में आपका x2 से क्या आ रहा है जी आ रहा है. ओके, तो यहां पे बना देता हूं मैं, ये हो गया आपका जी. ओके, एंड x5 में आपका x4 से क्या आ रहा है एच आ रहा है. ओके, नाउ लास्ट इज x6, x6 में x5 से क्या आ रहा है आपका आई, और x2 से क्या आ रहा है, x2 से आ रहा है आपका j. ओके, सो x2 से हम लोग बना रहे हैं यहां पर j. ओके,
तो ये आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ आपका क्रिएट हो गया। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ कुछ इस तरह का आपको दिखता है, ठीक है। हमने क्या किया, बेसिकली यहां पर 5 इक्वेशन लिए हैं, x2 x3 x4 x5 एंड x6 के, ओके। x1 को हमने इनपुट नोड माना है और x6 को हमने आउटपुट नोड माना है, ओके। बस सिंपली आपको हर एक इक्वेशन को देखते जाना है और हर एक इक्वेशन में आपको देखना है कि जो वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड में किन किन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था x2, वो सिर्फ x1 वेरिएबल में डिपेंड कर रहा था और x1 का गेन क्या था, आपका a था। तो बस x2 के इक्वेशन में आपको क्या करना था, x2 वेरिएबल में x1 से गेन a आपको शो करना था, ठीक है ना। हमेशा इनकमिंग उसमें रहेगा जो वेरिएबल आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। तो बहुत इजी है आपका। नाउ ये हो जाने के बाद मैं अब एक दो न्यूमेरिकल टाइप के एग्जांपल्स लेता हूं आपके लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करने वाले, ओके। सो एक और एग्जांपल आप देखिए कि सिग्नल फ्लो ग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज करिए आपको यहां पर वेरिएबल्स दिए हुए हैं एक्स, एक्स का इक्वेशन है आपका x1 प्लस ए यू, ओके। नाउ आपको अगला दिया हुआ है x1 डॉट का इक्वेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको बी x1 प्लस x2 प्लस सी यू। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन आपको दिया हुआ है x2 डॉट का और ये आपको दिया हुआ है डी x1 प्लस ई यू, ओके। तो ये आपको 3 इक्वेशन दिए हुए हैं और आपको क्या बताया है कि जो आपका यू है वो है आपका इनपुट, ओके, एंड जो आपका एक्स है वो है आपका आउटपुट। ये आपको सिग्नल फ्लोग्राफ में बता दिया है, सिग्नल फ्लोग्राफ के क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी ये गिवन है कि यू इज द इनपुट एंड एक्स इज द आउटपुट, ओके। सो अगर आप यहां पर देखें इस प्रॉब्लम को, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 मेथड हो सकते हैं। कैसे, आप देखिए यहां पर आपको x1 डॉट और x2 डॉट के इक्वेशन दिए हैं, ओके। तो x1 डॉट आप जानते हैं कि x1 का क्या होता है, डिफरेंशिएशन। x2 डॉट आप जानते हैं x2 का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो एक मेथड तो ये हो सकता है कि डायरेक्टली आप x1 डॉट को x1 डॉट ही रहने दीजिए और उसे भी एक नोड मान के आप सॉल्व कर दीजिए, सेम फॉर x2 डॉट। और एक और मेथड हो सकता है कि आप x1 डॉट एंड x2 डॉट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, मींस पूरे इक्वेशन के आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, तो x1 डॉट का लाप्लास क्या हो जाएगा, sx1। तो जो x1 डॉट है वो भी आपका x1 वेरिएबल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इससे आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, ओके। सो पहले मैं मेथड नंबर 1 ले रहा हूं जहां पर मैं x1 डॉट को x1 डॉट ही रहने दे रहा हूं, सेम फॉर x2 डॉट, ओके। सो मेथड नंबर 1, ओके। सो हमें क्या गिवन है यहां पर कि u जो है आपका वो क्या है, आपका इनपुट वेरिएबल। तो मैं u को इनपुट साइड में बना देता हूं, ओके। सो u इज माय इनपुट वेरिएबल। नाउ x क्या गिवन है मुझे, x इज योर आउटपुट वेरिएबल, तो मैं x को आउटपुट में बना देता हूं, ओके। अब जो बाकी के वेरिएबल हैं लाइक x1 x1 डॉट x2 डॉट x2, उनको आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, बट हम लोग एक सिंपल सा पैटर्न फॉलो करते हैं कि जैसे सपोज करिए एक्सट्रीम राइट में आपका क्या है, x है, तो x के बाद क्या आना चाहिए, आपका x1 ही आना चाहिए, तो हम x1 शो कर देते हैं। आप x1 को यहां पर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका गलत नहीं होगा, लेकिन हम एक पैटर्न फॉलो कर लेते हैं। x के बाद क्या आएगा, x1, ओके। x1 और x1 डॉट में कोई तो रिलेशन होगा, आप जानते हैं, तो x1 और x1 डॉट में क्या है रिलेशन, जो x1 डॉट है वो x1 का क्या है, आपका डिफरेंशिएशन है। तो x1 डॉट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपका x1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, 1/s। हम जानते हैं कि जब भी हम 1/s करते हैं वो क्या होता है, इंटीग्रेशन, और जब हम s से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ओके। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में x1 डॉट और x1 के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो 1/s से आप शो करेंगे, ओके, सेम फॉर x2 डॉट। तो अगला आपका क्या हो जाएगा, x1 डॉट के बाद आप x2, और सेम आप लिखेंगे x2 डॉट। तो x2 डॉट एंड डॉट और x2 में क्या रिलेशन होगा, अगेन 1/s का रिलेशनशिप होगा, ओके। तो ये आपका जो नोड्स आपको जो शो करने थे वो आपने शो कर दिए हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, अब आप अपने इक्वेशंस को देखिए, इक्वेशंस में देखिए हर एक वेरिएबल का इक्वेशन आपके पास है, x का इक्वेशन है आपके पास, x1 डॉट का इक्वेशन है एंड x2 डॉट का भी इक्वेशन है आपके पास। तो x का इक्वेशन क्या है, यहां पर x1
और कॉफिशियंट क्या है इसका, 1, मतलब x1 से आप क्या शो करेंगे, 1 x की तरफ. सिंपली u से क्या आ रहा है आपका, a, तो u आपका इनपुट नोड है, x की तरफ आप ले जाइए, क्या चला जाएगा आपका, a. ओके, नाउ x1 डॉट के इक्वेशन को आप देखिए, x1 डॉट के इक्वेशन में x2 से क्या आ रहा है आपका, 1, ठीक है, x1 से क्या आ रहा है आपका, b आ रहा है. ओके, सो ये आपका क्या हो जाएगा, फीडबैक, तो x1 से क्या आ रहा है आपका, b आ रहा है. ओके, नाउ u से क्या आ रहा है आपका, c. ओके, सो u से आप डाल दीजिए x1 डॉट में c, ये हो गया आपका c. नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x2 डॉट, x1 से क्या आ रहा है आपका, d आ रहा है, तो आप देखिए x2 डॉट आपको यहां दिख रहा है, x1 से क्या आ रहा है हमारा, d. सो अगेन ये फीडबैक होगा आपका, x1 से हो जाएगा आपका d. नाउ u से क्या आ रहा है आपका, e आ रहा है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा u से e. ओके, सो ये हमारा फिर से सिग्नल फ्लो ग्राफ जनरेट हो गया. ओके, तो आपको शायद पॉइंट क्लियर होगा इन दो एग्जांपल्स से. नाउ इस एग्जांपल में हम एक और मेथड ले सकते थे, मेथड नंबर 2 जो मैंने आपको कहा था, ठीक है. तो मेथड नंबर 2 में हम क्या कर सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं इन तीनों इक्वेशंस का. ओके, सो अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंसिडर करता हूं, तो पहला इक्वेशन हो जाएगा आपका एक्सएस का, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा एस एक्स वन एस का, और थर्ड इक्वेशन हो जाएगा एस एक्स टू एस का. ओके, तो अगर मैं इन इक्वेशंस को अब शो करूं, तो फर्स्ट इक्वेशन जो एक्सएस का है वो क्या हो जाएगा, एक्स वन एस प्लस ए यू एस, तो ये हो जाएगा एक्स वन एस प्लस ए यू एस. ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन बी एक्स वन एस प्लस एक्स टू एस प्लस सी यू एस. ओके, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. नाउ थर्ड इक्वेशन डी एक्स वन एस प्लस ई यू एस, सो डी एक्स वन एस प्लस ई यू एस. ओके, सो यहां पर मेरे थ्री इक्वेशंस क्रिएट हो गए. अब आप यहां पर देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, या आप लास्ट मेथड को बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए, लास्ट मेथड में जो सिग्नल फ्लो ग्राफ आपने ड्रॉ किया था, उस पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे, एक था आपका x, देन x1, देन x1 डॉट, देन x2 डॉट, देन u, मींस 1, 2, 3, 4, 5 and 6, टोटल आपके 6 नोट्स बने थे सिग्नल फ्लो ग्राफ में, 6 वेरिएबल्स थे आपके. बट अगर आप मेथड नंबर 2 में देखिए, तो वेरिएबल्स कितने हैं आपके, xs, x1s, us, ठीक है, और अगला क्या रहा, x2s, ओनली 4 वेरिएबल्स हैं आपके पास. ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो ये x1s के साथ जो s दिख रहा है और x2s के साथ जो s दिख रहा है, उस s को आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है ना, दोनों इक्वेशंस में, दो बोथ साइड आप s से डिवाइड कर दीजिए, तो इससे आपका जो इक्वेशन हो जाएगा वो x1s का आ जाएगा एंड x2s का आ जाएगा. ओके, तो मैं फिर से सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं. हमें पता है कि us जो है वो आपका क्या है, इनपुट वेरिएबल है, और जो आपका xs है वो क्या है, आउटपुट वेरिएबल है. नाउ हम ये भी पता है, जैसा हमने पिछले मेथड में किया हुआ है, कि x के बाद हम क्या ले सकते हैं, x1 ले सकते हैं, ऑल दो ये कोई रूल नहीं है, बट हम ले ले रहे हैं, x के बाद क्या ले रहे हैं हम, x1s. ओके, नाउ x1s के बाद हम क्या ले सकते हैं, अब x2s ले रहे हैं. ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, बेसिकली x2s, x1s एंड xs, इनके हमें इक्वेशन के थ्रू सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करने हैं. ओके, नाउ अब देखिए, अब जो x1s का इक्वेशन है, या पहले आप xs का देख सकते हैं, जो xs का इक्वेशन है वो क्या है, x1s, मतलब x1s से क्या आएगा आपका, 1 आ जाएगा, प्लस aus, मतलब us से क्या आ रहा है आपका, a आ रहा है, तो यहां पर आप शो कर दीजिए. ओके, नाउ जो x1s का इक्वेशन है, आप s से डिवाइड कर देंगे, तो x1s का जो इक्वेशन है वो क्या है, b बाई s, x1s, मींस x1s में x1s से ही क्या आएगा आपका, b बाय s आ जाएगा. ओके, तो यहां पर आप शो कर दीजिए b बाय s. ओके, नाउ x2s बाय s मींस यहां से आएगा आपका 1 बाय s. नाउ c बाय s इंटू यू एस मींस u से कितना आएगा आपका, c बाय s आ जाएगा, तो u से आप शो कर दीजिए यहां पर c बाय s आ जाएगा. क्लियर है ना, हम यहां पर डिवाइड बाय s कर रहे हैं,
क्योंकि हमें एक्स वन एस का इक्वेशन चाहिए, ओके okay? इसलिए बी बाय एस, एक्स टू एस बाय एस एंड सी बाय एस, ओके। नाउ एक्स टू एस का इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगा, डी बाई एस एक्स वन एस, सो एक्स टू में एक्स वन से डी बाई एस आ रहा है, ओके okay? तो ये रहा आपका एक्स वन, ठीक है, क्या जा रहा है आपका डी बाय एस, ओके, ये चला गया आपका फीडबैक बात। नाउ यू से कितना आ रहा है आपका ई बाय एस, तो आप शो कर दीजिए ई बाय एस, ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया ग्राफ, ठीक है ना। तो इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से अब देखिए तो जो नंबर ऑफ नोड्स थे वो आपके सिर्फ फोर रह गए, जबकि लास्ट ग्राफ में नंबर ऑफ नोड्स जो थे आपके सिक्स थे, ठीक है ना। तो मेथड नंबर टू में जब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो हमारे नंबर ऑफ नोड्स जो थे वो रिड्यूस हो गए, ठीक है। दोनों ही मेथड आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। जनरली जो सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो आईएएस के सब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं या किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं। गेट के ऑब्जेक्टिव एग्जाम या आईएएस के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सिग्नल फ्लो ग्राफ को ड्रॉ करने के क्वेश्चन कम आते हैं, बट यस सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन होगा तो उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने के क्वेश्चन या रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स कैलकुलेट करने के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ओके। सो हमें एक रफ आइडिया हो गया है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, कैसे ड्रॉ करना है हमें। अब हम अपने मेन टॉपिक्स की तरफ मूव कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स बाय यूजिंग सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो उस टॉपिक के लिए हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जानना जरूरी है, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड मेजोन्स गेन फॉर्मूला, ओके। सो क्या होता है ये मेजोन्स गेन फॉर्मूला, ठीक है। ये मेजोन्स गेन जो फॉर्मूला है आपका, ये रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स इन सिग्नल फ्लो ग्राफ, ओके। सो क्या होता है ये हम देखते हैं। सपोज करिए मैं देता हूं ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू वन टू एन पी के डेल के अपॉन डेल, ओके। ये हमारा फॉर्मूला होता है मेजोन्स गेन फॉर्मूला, यू कैन called as transfer function and you can also called as relationship between any two variables, okay। अब ये होता क्या है आपका देखते हैं। देखिए यहां पर जो n है आपका, n जो है आपका वो शो कर रहा है number of forward path, okay। n क्या है आपका forward path, कितने हैं आपके forward path, number of forward path। same जो आपका pk है, pk जो है वो शो कर रहा है गेन ऑफ द kth फॉरवर्ड पाथ। kth फॉरवर्ड पाथ मींस क्या होगा आपका, मींस देखिए जैसे सपोज करिए आपके पास 10 फॉरवर्ड पाथ है, तो अगर आप सेकेंड फॉरवर्ड पाथ का गेन इंडिकेट करना चाह रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे p2, p2 मींस गेन ऑफ द सेकेंड फॉरवर्ड पाथ। आप बोलेंगे p6, दैट मींस गेन ऑफ द सिक्स फॉरवर्ड पाथ, ओके। तो इस तरह से ये शो करता है pk। नाउ नेक्स्ट इज डेल, डेल क्या है आपका, इट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ द सिस्टम, ओके। इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी होता है जो भी हम देखने वाले हैं, ओके। सो डेल का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है डेल इज इक्वल टू 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन्स, मीन्स जो भी आपके सिग्नल फ्लो ग्राफ में जितने भी लूप्स होंगे, ठीक है ना, तो उन सबको आप क्या कर देंगे, उनके गेन्स को एड कर देंगे। तो मैं हर एक लूप के गेन को L1, L2, L3 से शो कर रहा हूं, तो 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन्स प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन्स, ओके। तो अगर मैं इसको नॉर्मली थ्योरी में लिख दूं तो समेशन ऑफ, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन, ओके, 2 नॉन टचिंग लूप गेन्स, क्लियर है पॉइंट। ये हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये थ्योरी, ओके। नाउ नेक्स्ट होता है आपका माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप गेन्स, ओके। सो यहां पर ये फॉर्मूला आपका प्लस माइनस अल्टरनेट चलता रहेगा, ओके। सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर वो क्या है कि आपको अगर डेल कैलकुलेट करना है तो आपको जो सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन होगा आप सबसे पहले क्या करेंगे उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कितने आपके लूप्स हैं, ओके।
लूप्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आप हर एक लूप का गेन कैलकुलेट करेंगे. ओके हर एक लूप का गेन कैलकुलेट कर लेने के बाद आप उसके बाद ये चेक करेंगे कि कितने लूप हैं जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं. ठीक है, जो लूप टच नहीं कर रहे होंगे उनके गेन को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐसे जितने कॉम्बिनेशन होंगे सबको ऐड कर देंगे. ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नॉन टचिंग लूप गेन्स. ये 2 भी हो सकते हैं और ये 3 भी हो सकते हैं. ओके और 4 भी हो सकते हैं, पर जनरली 4 का केस आता नहीं है एग्जाम में, मैक्सिमम 3 तक जाएगा. 3 भी बहुत कम आता है, मैक्सिमम 2 नॉन टचिंग लूप गेन्स तक ही आपका एग्जाम में पूछा जाता है. ओके बट हमें प्रिपेयर रहना है 3 के लिए भी. ठीक है ना, अब आप सोच रहे होंगे ये लूप क्या होता है, ये लूप गेन्स क्या होते हैं, ये फॉरवर्ड पाथ क्या होते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको अभी क्लियर करूंगा बाय डेफिनेशंस बाय एग्जांपल्स. ओके नाउ, पर उसके पहले मेसन्स गेन फॉर्मूले के जो और भी टर्म्स रह गए हैं जिन्हें हमें समझना है, पहले हम उन्हें समझ लेते हैं. तो डेल के जो नेक्स्ट टर्म है आपका डेल के क्या होता है आपका, ये आपका सेम एज डेल है. तो आप बोल रहे होंगे फिर फर्क क्या है दोनों में, अगर सेम एज डेल है तो. देखिए यहां पर आप डेल के इज सेम एज डेल बट by excluding the loop gains that are touching the kth forward path. okay, आपको उन loop gains को exclude कर देना है जो touch कर रहे हैं kth forward path को. okay, so del k is same as del by excluding the loop gains which are touching the kth forward path. ठीक है ना, suppose करिए मैं अगर del 2 निकाल रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं किसे देखूंगा, सेकेंड फॉरवर्ड पाथ के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करूंगा. तो डेल 2 इज सेम एज डेल बाय एक्सक्लूडिंग द लूप गेन्स विच आर टचिंग द सेकेंड फॉरवर्ड पाथ. मतलब जो सेकेंड फॉरवर्ड पाथ हमने कंसीडर किया होगा उसे अगर कोई लूप टच कर रहा होगा तो उन लूप्स के गेन को हम एक्सक्लूड कर देंगे. दैट इज योर डेल के. ओके क्लियर है पॉइंट. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक एक टर्म की डेफिनेशन देख लेते हैं, लाइक व्हाट इज फॉरवर्ड पाथ, व्हाट इज इनपुट नोड, व्हाट इज आउटपुट नोड. इससे आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी. ओके सो फर्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज नोड. नोड क्या होता है आपका, नोड क्या है आपका, नोड शो करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द सिस्टम. जिस सिस्टम के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं या जिस सिस्टम के लिए आप सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उस सिस्टम में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, वही क्या शो कर रहा है आपका, नोड्स. तो नोड्स क्या है आपके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स. ओके नाउ नोड्स के अंदर आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए कि इनपुट नोड क्या होता है. इनपुट नोड क्या होता है आपका, इनपुट नोड की मीनिंग ये होगी या आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इनपुट नोड में कोई भी इनकमिंग ब्रांच नहीं होगी, इनपुट नोड में सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस होंगी. ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं नो इनकमिंग ब्रांच. ठीक है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनपुट नोड को आइडेंटिफाई करने के लिए. और यहां पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इट इज स्ट्रिक्ट. ओके मतलब ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि इनपुट नोड वही नोड होगा जिसमें कोई इनकमिंग ब्रांच ना हो. अगर कोई नोड इनपुट नोड जैसा दिख रहा है आपको, मतलब कोई नोड आपका फर्स्ट पोजीशन पर है सिग्नल फ्लो ग्राफ में, तो और अगर उसमें कोई इनकमिंग ब्रांच है तो इसका मतलब है कि वो इनपुट नोड नहीं है. ये पॉइंट आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है. तो फिर किस तरह से हम इनपुट नोड में उसे कन्वर्ट करेंगे या किस तरह से अपने सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम इनपुट नोड जनरेट करेंगे, ये हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स में. ओके लेकिन अभी के लिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनपुट नोड क्या होते हैं, क्योंकि इसी पे आपके सारे क्वेश्चंस बेस होने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो टफ क्वेश्चंस हैं. ओके सो इसी कारण मैंने यहां पे लिखा है स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपको ये रूल कि इनपुट नोड इज अ नोड विच हैविंग नो इनकमिंग ब्रांचेस. नाउ नेक्स्ट इज आउटपुट नोड. आउटपुट नोड में क्या होता है आपका, नो आउटगोइंग ब्रांचेस. ओके आपकी कोई भी आउटगोइंग ब्रांच नहीं होगी आउटपुट नोड में. ओके बट यस ये इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बार देख लेना है. ठीक है, ये सिचुएशन आपकी स्ट्रिक्ट नहीं है, इनपुट नोड वाली सिचुएशन आपकी क्या है, स्ट्रिक्ट है. ओके
बट आउटपुट नोड की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो आउटपुट नोड इज अ नोड विच हैविंग नो आउटगोइंग ब्रांचेस. ओके, क्लियर है पॉइंट? सो ये आपके हैं नोड्स की डेफिनेशन जो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए. ठीक है ना, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आप क्या करिएगा, न्यूमेरिकल के साथ साथ इस वीडियो को भी फॉलो करते चलिएगा, इससे आपको जो सारी डेफिनेशन है और अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगी. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हमें समझना है वो है फॉरवर्ड पाथ. फॉरवर्ड पाथ क्या होता है बेसिकली, आप अगर नाम पे जाएं, इंग्लिश की मीनिंग पे जाएं, फॉरवर्ड मींस आपको आगे की तरफ मूव करना है, मींस इनपुट टू आउटपुट. ओके, सो फॉरवर्ड पाथ इज अ पाथ फ्रॉम द इनपुट टू आउटपुट विथ नो नोड रिपीटेड. ठीक है ना, मतलब आप इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ मूव करेंगे पर बीच में आपका कोई नोड रिपीट नहीं करना है आपको. ठीक है ना, उस पाथ को फॉलो करते समय. ठीक है ना, बेसिकली आपको रास्ता ढूंढना है इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ और किसी रास्ते में आपको दोबारा नहीं घूमना है. आप भी नहीं चाहोगे ना कि आप सेम रास्ते पे दोबारा घूमते रहो. ठीक है ना, आप चाहोगे कि आप एक सिंपल सा रास्ता, सिंपल सा पाथ ढूंढो फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन. ठीक है ना, सो फॉरवर्ड पाथ आपका वही होता है, पाथ फ्रॉम इनपुट नोड टू आउटपुट नोड. ठीक है, इनपुट टू आउटपुट. ओके, विथ नो रिपीटेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, आपको यहां समझ के चलना है, नो रिपीटेशन. ओके, नाउ फॉरवर्ड पाथ के बाद हमें एक और इंपॉर्टेंट टर्म समझना है, दैट इज कॉल्ड लूप. तो लूप क्या होता है आपका, लूप भी आपका एक पाथ ही है, बट लूप क्या है आपका, एक क्लोज्ड पाथ है दैट स्टार्ट एंड एंड्स एट द सेम नोड. ठीक है ना, क्लोज्ड पाथ है आपका जो कि स्टार्ट भी एक ही नोड से होगा और एंड भी एक ही नोड से होगा, बट यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फिर से नो नोड रिपीटेशन, मतलब अगेन नो रिपीटेशन. ओके, क्लियर है पॉइंट? मतलब आपको एक नोड से स्टार्ट कर लेना है और आप पूरी तरीके से घूम कर आ जाइए और वापस से आप उसी नोड पर आइए. लेकिन जब आप घूम रहे होंगे तो आपको कोई नोड बीच पे रिपीट नहीं करना है, जितने भी नोड आपके आएंगे वो सिर्फ एक बार ही आने चाहिए जो बाकी के नोड्स होंगे. ठीक है ना, जैसे आप सपोज करिए आप मॉर्निंग में अपने घर से निकलते हैं, ठीक है ना, तो आप घूम कर वापस आते हैं शाम तक, या कोई काम कर वापस आते हैं शाम तक. ठीक है ना, तो वापस आप घर पर ही आते हैं अपने. ठीक है ना, तो क्या हो रहा है आपका कि आपने स्टार्ट अपने घर से किया और अपने सारे काम करके आप वापस कहां आए, घर पर आ गए. और आप क्या चाहोगे, आइडियली आप चाहोगे कि जो जो काम आप रास्ते में कर रहे हो वो आपके एक एक बार में खत्म होते चले जाएं. तो आप नहीं चाहोगे कि आप किसी काम को करने के लिए दोबारा उस लोकेशन पे वापस जाओ. ठीक है ना, आप वन बाय वन लोकेशन को एक एक करके कवर करते हुए वापस अपने आप घर पर आ जाओगे. ठीक है ना, तो क्लोज पाथ भी आपका वही है, लूप भी आपका वही है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम नोड बट नो नोड रिपीटेशन इन बिटवीन. ओके, सो ये होता है आपका लूप. ओके, नाउ लूप के अंदर ही अगर मैं बात करूं नॉन टचिंग लूप्स की, आपने देखा था फॉर्मूले में कि हम लोगों ने पढ़ा था टू नॉन टचिंग लूप्स और थ्री नॉन टचिंग लूप्स. ओके, तो नॉन टचिंग जो लूप्स हैं आपके, अगर मैं उनकी बात करता हूं तो नॉन टचिंग लूप्स आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो आप बोल सकते हो कि दो या दो से ज्यादा लूप्स जो कि एक दूसरे को टच ना कर रहे हो, या आप सिंपल लैंग्वेज में और क्या बोल सकते हो, दो या दो से ज्यादा लूप्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन नोड ना हो. टच करने का मतलब क्या है, क्योंकि सिग्नल फ्लो ग्राफ में तो आप सिर्फ और सिर्फ नोड से ही डील करने वाले हो, तो टू और मोर देन टू लूप्स विच नॉट हैविंग एक्चुअली एनी कॉमन नोड. ओके, उनके बीच में कोई भी नोड कॉमन ना हो सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर, तो वो आपके नॉन टचिंग लूप्स आपके कहलाएंगे. ओके, सो आप क्या बोल सकते हैं, नो कॉमन नोड. ओके, तो आपके वो लूप्स कहलाएंगे नॉन टचिंग लूप्स. ओके, सो ये आपकी कुछ डेफिनेशंस हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर, जो पॉइंट्स आपको यूज करने हैं, जो टर्म आपको यूज करने हैं. आई होप आपको पूरी डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर होंगी यहां पर. ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल ऑन सिग्नल फ्लो ग्राफ. ओके, और जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ही बोला, जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा होगा तो आप इस वीडियो को भी एक बार खोल लीजिएगा साथ साथ में, और आप कंपेयर करिएगा जो टर्म्स हमने यहां पर पढ़े हैं उनको न्यूमेरिकल के साथ कंपेयर करने की कोशिश करिएगा, उससे आपके जो टर्म्स हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. ओके, थैंक यू.